तो जनाब आ गई है इस वीक की ऑनलाइन टीआरपी। इस हफ्ते की टीआरपी में कौन हुआ टॉप 10 की लिस्ट से बाहर और किसने मारी टॉप 10 में एंट्री, ये हम आपको अभी बताते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत नंबर 10 से। नंबर 10 के पायदान पर है जी टीवी का शो तुझसे है राब्ता विद 11.6 पॉइंट्स। वहीं नंबर 9 पर है स्टार प्लस का वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रनिंग शो, ये है मोहब्बतें। वैसे शो से असली वाला रमन भल्ला यानी करण पटेल तो लंबे अरसे से गायब है, लेकिन फिर भी शो को इशिता यानी कि दिव्यांका त्रिपाठी ने अकेले अपने दम पर संभाल रखा है। अगर नंबर 8 की बात करें तो यहां जगह बनाई है तारक मेहता का उल्टा चश्मा ने विद 14.2 पॉइंट्स। पिछले हफ्ते शो में दया बहन के आने का बस बहुत ज्यादा था और इसी का फायदा इस शो को भी मिला है। चलिए बात करते हैं नंबर 7 की और नंबर 6 की। तो नंबर 7 पर है बेपनाह प्यार और नंबर 6 पर है कपिल शर्मा का शो। रघुबीर और बानी की प्रेम कहानी बेपनाह प्यार को मिले हैं 17 पॉइंट्स, वहीं कपिल शर्मा के शो को मिले हैं 21.8 पॉइंट्स। साफ सी बात है कि कपिल शर्मा का शो हर लिस्ट में अपनी मजबूत जगह बनाता जा रहा है, चाहे वो ऑनलाइन टीआरपी हो या फिर बाढ़ की। चलिए अब बात करते हैं नंबर 5 की। तो नंबर 5 पर इस बार है टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति विद 24.2 पॉइंट्स। नंबर 4 पर है कसौटी जिंदगी की जिसे मिले हैं 27.7 पॉइंट्स। हालांकि पिछले वीक के मुकाबले इस बार कसौटी को काफी नुकसान हुआ है, क्योंकि पिछले हफ्ते की ऑनलाइन टीआरपी में कसौटी नंबर 1 पर था। खैर आगे बढ़ते हैं और चलते हैं नंबर 3 की तरफ। तो नंबर 3 पर है शो ये रिश्ते हैं प्यार के जिसे मिले हैं 29.7 पॉइंट्स। अबीर मिश्री की मासूम प्रेम कहानी हमेशा टीआरपी की लिस्ट में टॉप 5 पर अपनी जगह बना ही लेती है। नंबर 2 पर है टीवी शो ये रिश्ता क्या कहलाता है जिसे मिले हैं 31.4 पॉइंट्स। और नंबर 1 पर है रियलिटी शो का बादशाह बिग बॉस। जी हाँ, घर में आने वाले मजेदार और मसालेदार लड़ाइयों ने बिग बॉस को बनाया है इस हफ्ते का सरताज और इसे मिले हैं पूरे 32.3 पॉइंट्स। तो ये है लास्ट वीक की ऑनलाइन टीआरपी। अभी इस हफ्ते की बाकी टीवी रेटिंग वाली टीआरपी भी आएगी और हम उसमें भी आपको बताएंगे कि कौन सा शो बना नंबर 1 और कौन हुआ फिसड्डी।